दोस्तों वेलकम माय यूट्यूब चैनल अगेन। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं मैंने माइक्रोटेक का इन्वर्टर लगा रखा है जिसका मॉडल नंबर है SEBZ800 जो कि प्योर सैंडवेव इन्वर्टर है। साथ में लगा रखी है बैटरी 12 ट्यूबुलर बैटरी एपेक्स कंपनी की और जिसकी कैपेसिटी देख सकते हैं 12 वोल्ट 150 एएच C20 रेटिंग की बैटरी है। अगर मैं इस बैटरी की वारंटी की बात करूं तो देख सकते हैं 36 मंथ्स यानी 3 साल की यहाँ पर वारंटी है बैटरी की। और ये आप देख रहे हैं बैटरी के ऊपर जो नमियां रखी है, ये गर्मियों में मोस्टली हर एक बैटरी के साथ ऐसा होगा, ठीक है, ये एक नॉर्मल सी बात है। अब समझते हैं कि 12 ट्यूबुलर बैटरी कौन सी होती है, क्योंकि यह बैटरी आप देख सकते हैं ये पतली होती है 12 ट्यूबुलर बैटरी और लंबी होती है, इनकी ऊंचाई ज्यादा होती है, जबकि नॉर्मल बैटरी फ्लैट होती है, थोड़ी सी ये चीज उनकी थिकनेस ज्यादा होती है और थोड़ी हाइट में शॉर्ट होती है, ठीक है। तो आपको हमेशा 12 ट्यूबुलर बैटरी ही परचेज करनी है, क्योंकि जो इसका पॉजिटिव नेगेटिव जो टर्मिनल्स होते हैं उनके अंदर जाली बनी होती है, ठीक है, तो जाली से बनी होती है, आप डिस्प्ले पर देख सकते हैं। इस वजह से इन 12 ट्यूबुलर बैटरी की जो लाइफ होती है ये काफी ज्यादा होती है नॉर्मल बैटरी से, ठीक है, और इन पर ज्यादा एम्पियर इन बैटरी से लिया जा सकता है। बाकी जो एम्पियर ड्रॉ की बात है, एम्पियर यूज करने की बात है, वो इसकी रेटिंग पर भी निर्भर करता है। मैंने यहाँ पर यूज कर रहा हूँ C20 रेटिंग की बैटरी, जिसका मतलब कि 20 घंटे में इसको खाली किया जाएगा, यानी कि 7.5 एम्पियर से इसको हम अगर इससे 7.5 एम्पियर यूज करें तो 20 घंटे के अंदर ये बैटरी पूरी डिस्चार्ज हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार इसको हम चार्ज भी कर सकते हैं, तब हमें 150 एच ये मिलने वाला है इस बैटरी से। तो आप कोशिश करें कि जो भी आप बैटरी परचेस करें वो C10 रेटिंग की होनी चाहिए, ठीक है, C20 की भी काम करेगी, मगर कोशिश करें कि अगर आप लोग जो इन्वर्टर पे लगा रहे हैं बैटरी वो C10 की होगी रेटिंग, उसकी जो C10 होगी तो इसका मतलब होगा कि आप उसको 10 एम्पियर से यूज करेंगे तो वो 15 घंटे चलेगी, यानी कि अगर आप एक सीलिंग फैन चलाएंगे तो 15 घंटे सीलिंग फैन आपका चलेगा, दो सीलिंग फैन चलाएंगे तो आपका जो है सीलिंग फैन दोनों 7 घंटे से कुछ कम चलेंगे, ठीक है, इस हिसाब से होता है। तो आपको ध्यान में क्या रखना है, आपको बैटरी हमेशा 12 ट्यूबुलर बैटरी ही परचेस करनी है। दूसरा, अच्छी से अच्छी ब्रांड की कंपनी की बैटरी आपको परचेस करनी है। तीसरा कि आपको C10 रेटिंग की बैटरी परचेस करनी है। अगर आप लोग को C10 रेटिंग की बैटरी नहीं मिलती तो आप C20 फिर परचेस कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चीज आप लोग को वारंटी, तो यहाँ पर 36 मंथ्स की वारंटी मिल रही है, तो आप लोग को मिनिमम 36 मंथ्स की वारंटी की बैटरी लेनी चाहिए, यानी कि 3 साल, क्योंकि जो 12 ट्यूबुलर बैटरी इनकी लाइफ 3-4 साल 4.5 साल तक चली जाती है, तो मिनिमम आपको 3 साल की वारंटी वाली बैटरी लेनी चाहिए। कोशिश करें उससे ज्यादा की वारंटी मिल जाए और भी अच्छी बात है। यहाँ पर बैटरी की बात पूरी होती है। अब बात करते हैं इन्वर्टर की। इन्वर्टर हमें दोस्तों आज की तारीख में प्योर साइन वेव इन्वर्टर लेना चाहिए, ऐसा इन्वर्टर लेना चाहिए जिसकी आउटपुट प्योर साइन वेव की AC 240 वोल्ट हो। दूसरा, कंपनी बहुत अच्छी होनी चाहिए इन्वर्टर की। तीसरा, साथ में सिंबल जो हमें दिख रहे हैं ये हमें क्लियर होने चाहिए कि चार्जिंग कब है, जैसे कि इस समय चार्जिंग लाइट ब्लिंक हो रही है, इसका मतलब कि ये बैटरी हमारी चार्ज कर रहा है। देखिए जब स्टेबल हो जाएगी यानी बैटरी हमारी फुल हो गई, मेंस की लाइट है, इस तरीके से सभी लाइट्स होनी चाहिए। साथ में जब हमारी बैटरी फुल हो जाए तो बैटरी के चार्जिंग को स्टॉप कर दे हमारा इन्वर्टर, तो इन्वर्टर में ये काबिलियत भी होनी चाहिए कि बैटरी फुल चार्ज होने का उसमें ऑटो कट का सिस्टम होना चाहिए, ठीक है। और इस तरीके से इन्वर्टर हो गया, तो अच्छे से अच्छी ब्रांड का इन्वर्टर और अच्छे से अच्छी ब्रांड की बैटरी हम यूज करेंगे तो अच्छे से अच्छा हमें आउटपुट मिलेगा और दोनों की लाइफ भी 3-4 साल अच्छी रहेगी, हेल्दी रहेगी। तो इस वीडियो में मैंने आप लोग को जितनी इम्पोर्टेंट और जरूरत की चीज थी मैंने आपको बताई। अब दोस्तों एक चीज और, कि जो मेरी बैटरी है इसमें वाटर मेंटेनेंस बहुत ही कम करनी पड़ती है, 3-4 महीने के बाद ही इसमें वाटर की मेंटेनेंस करनी पड़ती है, वरना कोई भी जरूरत नहीं। गर्मियों में हो सकता है आप लोग को कि 4 महीने से या 3 महीने से पहले ही जरूरत पड़ जाए मेंटेनेंस की, वरना आप लोग को विंटर्स में जाड़ों में वाटर मेंटेनेंस की जरूरत इसमें 4-5 महीने भी नहीं पड़ेगी। इसका पानी इतना खर्च नहीं होता क्योंकि हमारा इन्वर्टर ऑटो कट है, यानी बैटरी चार्जिंग फुल होने के बाद कट हो जाता है, तो इसमें एक्स्ट्रा जो है वाटर इसका इवेपोरेट नहीं होता। इस तरीके से मैंने आपको सभी बातें क्लियर कर दी और आपकी बैटरी में हमेशा पानी वाटर फिल रहना चाहिए और अच्छे से अच्छा लेवल पर वाटर को रखेंगे। जो वाटर यूज करेंगे वो तो हम या तो RO फिल्टर का वाटर यूज कर लेंगे 100 TDS का, या AC के आउटलेट से जो पानी निकलता है वाटर आता है वो यूज कर सकते हैं,
या फिर जो डिस्टिल वाटर आता है बैटरी के लिए वो यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से वीडियो है कंप्लीट। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।